हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, अभी नीट 2021 एस्पिरेंट्स को कुछ एडमिट कार्ड से रिलेटेड इश्यू आ रहे हैं कि सर हमें दोबारा रीप्रिंट करना है या नहीं करना। मैं जब पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटो लगाता हूं तो इधर जगह रह जाती है, मैं जब सिग्नेचर करता हूं सर मेरे सिग्नेचर मैच नहीं होते, या फिर सर मेरे डिस्क्रिपेंसी का मैसेज आया, मैंने अपलोड कर दिया है लेकिन अप्रूवल अभी तक नहीं आया है, मेरे पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटो पर डेट और नेम नहीं है। तो ये सब इश्यूज़ हैं, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और इससे पहले भी मैंने वीडियोस अपलोड करी थी ये वाली, जिसमें मैंने बताया था कि आपको एडमिट कार्ड के साथ और क्या लेके जाना है, और एडमिट कार्ड जब आप प्रिंट करते हो पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटो नहीं आता तो आपको कैसे सेटिंग करके प्रिंट करना है। तो वो वाला इशू तो वैसे एनटीए ने रिजोल्व कर दिया, उन्होंने दोबारा से एडमिट कार्ड को रिलीज कर दिए, लेकिन अब डाउट ये आने शुरू हो गए हैं कि सर उसको रिप्रिंट करें या ना करें। तो यही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, नीट 2021 एग्जाम डे के दिन यदि आपके पास एडमिट कार्ड है, आपके पास ओरिजिनल आईडी है, और आपके पास यदि आप जैसे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी या कोई स्क्राइब रिलेटेड डॉक्यूमेंट की नीड है और वो आप साथ में लेके जाते हो, और एडमिट कार्ड पर पासपोर्ट साइज फ़ोटो और पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटो और अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना, चाहे वो बैकग्राउंड कैसा भी हो फोटो का, चाहे वो दोनों मैच हो रहे हो ना मैच हो रहे हो, आपको एंट्री मिलेगी। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम सब लोग ह्यूमन बीइंग हैं, और जो आपके वहाँ पे इन्विजिलेटर हैं वो भी आपकी मतलब जैसे आपके पेरेंट्स हैं वो भी उसी तरह किसी के पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे भी एग्ज़ाम देते हैं, वो भी समझते हैं कि हाँ ऐसी प्रॉब्लम्स बच्चों के साथ हो जाती है, कई बार नहीं पता चलता, बच्चे कोई गांव में रहता है कोई कहीं रहता है, और हमारी प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारी इंडिया में, तो वो इन चीज़ों को समझते हैं। तो आप टेंशन मत लेना, आपको एंट्री बिल्कुल मिलेगी, कुछ भी बस ये लेके जाना डॉक्यूमेंट, ऐसा मत सोचना मेरा पोस्ट कार्ड इधर निकल गया उधर निकल गया, आपको एंट्री मिलेगा, टेंशन ही नहीं लेना, क्योंकि आपको वहाँ जाकर देखोगे ना इतनी इज्जत मिलेगी, आपको लगेगा इतनी रिस्पेक्ट कैसे, बेटा आप डॉक्टर बनने वाले, आपको बहुत इज्जत मिलने वाली है, तो टेंशन बहुत प्यार से बात करेंगे, आपकी प्रॉब्लम सोल्व करने की कोशिश करेंगे यदि कुछ होगा भी, तो एंट्री तो मिलना ही मिलना, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे डिस्क्रिपेंसी इश्यूज है, ये मैसेज आ रहा है, फिर आप अपलोड कर देते हो उसके बाद अप्रूवल हुआ या नहीं हुआ, ये बच्चों को डाउट आ रहा है कि सर मैंने अपलोड तो कर दिया अप्रूवल हुआ या नहीं हुआ, एडमिट कार्ड कब आएगा नया, देर इज मिस्टेक बट नो मैसेज। कुछ बच्चों को लग रहा है कि उन्होंने रेड बैकग्राउंड में अपलोड किया था, हमने डेट नहीं डाली थी, हमने ये नहीं किया था, हमने सिग्नेचर कैपिटल में कर दिया था, लेकिन हमें सर मैसेज नहीं आया अभी तक, तो मैं क्या करूं, ये भी डिस्कस करेंगे। एडमिट कार्ड दोबारा से आए हैं, रीप्रिंट करूं या ना करूं, वो भी डिस्कस करेंगे। पोस्ट कार्ड पर फोटो मतलब जो पोस्ट कार्ड फोटो है उस पर नाम और डेट नहीं लिखा हुआ सर, लेकिन पासपोर्ट पर लिखा है, तो क्या करें, ये सब डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो पहले है डिस्क्रिपेंसी इशू, आप लोगों को ये पता ही है कि ऐसा मैसेज आ रहा है, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट इमेज क्वालिटी इज नॉट एज पर द स्टैंडर्ड एंड इमेज अपडेटेड, ये सब मैसेज आपको ने देख लिया हुआ आई थिंक अभी तक, पिछली वीडियो में मैंने इसमें बताया था इस वीडियो में कि क्या मैसेज आ रहा है बच्चों को, कि आपने अपनी इमेज जो अपलोड करी है वो प्रॉपर स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है, जो हमने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दिया था वो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या हुआ, बच्चे क्या करते हैं जिनको वो मैसेज आ रहा है डिस्क्रिपेंसी का, वो क्या कर देते हैं रजिस्ट्रेशन करके अपलोड कर देते हैं, फिर क्या करता है एनटीए अप्रूवल करता है उस फोटो, मतलब उन फोटो को, जैसे आपने सिग्नेचर का फोटो अपलोड किया या अपना फोटो अपलोड किया, तो ये अप्रूवल हुआ या नहीं हुआ बच्चों को यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है। बेटा देखो एनटीए क्या बोल रहा है, 9 to 6 PM के बीच में उनको एक बार कॉल कर दो, कॉल नहीं भी करोगे तब भी अप्रूवल होगा, यदि आपको जल्दी हो रही है तो इनको कॉल करके बोल दो मैंने अपलोड कर दिया है, ये मेरा एप्लीकेशन नंबर है, प्लीज़ आप इसको अप्रूवल कर दो, तो हो जाएगा वो, टेंशन नहीं लेना। यदि आपका अप्रूवल हो गया है तो आप री डाउनलोड कर लो एडमिट कार्ड को, और उसको प्रिंट करके बाकी सारे काम कर लो जैसा मैंने इस वीडियो में बताया था, इसको देख लेना, ठीक है। अच्छा, अब कुछ बच्चों को आ रहा है कि सर मैंने तो कल अपलोड किया था अभी तक अप्रूवल नहीं हुआ, थोड़ा सा टाइम अप्रूवल में लग रहा है एनटीए में, जैसा मैंने कुछ बच्चों से बात करी है, तो ये अप्रूवल आपका एग्जाम से पहले हो जाएगा, हो सकता है कल हो जाए, हो सकता है आज शाम में हो जाए, तो आप क्या कर सकते हैं उसके बाद डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ये 100% सबका अप्रूवल होगा, आप कुछ भी अपलोड कर दो अप्रूवल होना ही होना, और आपका नया एडमिट कार्ड आएगा उसको प्रिंट करके लेके जाना, अप्रूवल की टेंशन नहीं लेना, वो हो सकता है एक साथ बल्क में अपलोड मतलब अप्रूवल कर दे सबका, ठीक है, अप्रूवल की टेंशन नहीं लेनी है। आप बस चेक करते रहो कैसे, मान लो आपको अप्रूवल का पता नहीं चल रहा, आप क्या करो एडमिट कार्ड को दोबारा डाउनलोड कर लो और उसको मैच कर लो अपने पुराने वाले एडमिट कार्ड से, यदि दोनों अलग अलग हैं तो इसका मतलब अप्रूवल हो चुका है और आप नए एडमिट कार्ड को ले जा सकते हैं, ये इसका एक मेथड है चेक करने का। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अब, कुछ बच्चों को ये लग रहा है कि उनके एडमिट कार्ड में मिस्टेक थी, ओ सॉरी उनके एप्लीकेशन फॉर्म में, कि सर उन्होंने रेड बैकग्राउंड डाल दिया था या ये डाल दिया था, लेकिन उन्हें ये लग रहा है कि उनको मैसेज नहीं आया, या उनके नंबर बंद है, या उनका जो दूसरा नंबर दिया था उस पर मैसेज आया लेकिन वो फ़ोन अभी खो गया है, तो वो क्या करें,
उन्हें चेक करना है कि उनकी गलती हुआ या नहीं हुआ, सिंपल क्या करें, एनटी की वेबसाइट पर जाएं, इमेज करेक्शन वाला जो लिंक मिला है उस पर, ये वाला लिंक पे क्लिक कर देना, उसमें आप क्लिक करके वहाँ पे लॉगिन करें, तो वहाँ पे आप बिल्कुल नीचे जाएंगे तो ये लिखा हुआ मिलेगा, रिमूव इमेज डिस्क्रिपेंसी। यदि ये लिखा हुआ है तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में प्रॉब्लम था और आपको सारे जो डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है वो दोबारा से अपलोड करना है। यदि ये नहीं लिखा हुआ, मतलब आपका सब कुछ सही है, ऐसे आप चेक कर सकते हैं। यदि आपके नंबर पर मैसेज या वो सब डर लग रहा है तो, है ना, तो ये सॉल्यूशन हो गया इसका। नेक्स्ट है एडमिट कार्ड रीप्रिंट। अभी एनटीए ने कल ये दिया था एक, कि उन्होंने मतलब दोबारा से एडमिट कार्ड को अपलोड कर दिया है और आप दोबारा से डाउनलोड कर सकते हैं यदि पोस्ट कार्ड वाला प्रॉब्लम था। अब बच्चों को डाउट आ रहा है कि सर दोबारा रीप्रिंट करें या ना करें, मैं ये बोलता हूँ यदि आपने पहले वाला एडमिट कार्ड प्रिंट कर लिया है और उस पर पोस्ट कार्ड फोटो को ऐसे हॉरिजेंटल लगा लिया है या जैसे मैंने प्रिंटर की सेटिंग बताई थी उसको चेंज करके ऐसे प्रिंट कर लिया है, तो आप वही वाला ले जाओ। यदि फिर भी आपके मन में मतलब कुछ नहीं होगा, वही ले जाओगे तो ऐसे लगा के चले जाओगे, नो टेंशन, आपको एडमिशन मिल जाएगा, एंट्री मिल जाएगी एग्जाम में। फिर भी डर लग रहा है तो यार 20-25-50 रुपए लग जाएंगे, डाउनलोड कर लो, रीप्रिंट कर लो और ये सारे काम दोबारा कर लो, 10 मिनट का काम है, बिना काम मैसेज मत करो, क्योंकि हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, मतलब इतने बच्चे मैसेज करते हैं तो जिनकी मतलब प्रॉब्लम है, कुछ कुछ प्रॉब्लम आप खुद से भी सोल्व कर लिया करो, ठीक है, उनकी प्रॉब्लम रह जाती है, जिनका जेन्यून प्रॉब्लम है या कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है तो वो छूट जाता है बहुत बार, फिर ये वीडियोज़ बनाने पड़ते हैं। तो रीप्रिंट कर सकते हो, करना है तो, नहीं करना है तो जो पहले वाला वो भी ले जा सकते हो। फिर ये वाली प्रॉब्लम है एक कि सर मेरा जो पोस्ट कार्ड फोटो है उसमें डेट और नेम नहीं है, तो आप टेंशन मत लो, नहीं है तो ले जाओ जैसा है वैसा, यदि अरेंज कर सकते हो अरेंज कर लो, उसको ले जाओ, कोई टेंशन नहीं, दोबारा प्रिंट करके लगा दो। जो आपके पास फोटो है भैया के पास जाना स्टूडियो वाले के, वो नीचे लगा देगा नेम और डेट और उसको दोबारा लगा दो, कोई टेंशन नहीं है। फिर सेम फोटो, कुछ बच्चों को ये लग रहा है पासपोर्ट साइज फोटो और पोस्ट कार्ड साइज फोटो उनका सेम नहीं है, यदि सेम नहीं है तो आप क्या करें, जो आपके पास हो उसको लगा लो, लेकिन ट्राई करो अरेंज हो जाए तो, और नहीं भी होता है ना, मैंने बताया कि वहाँ पे आपके पेरेंट्स के जैसे ही इनविजिलेटर हैं, एंट्री से नहीं मना करेंगे, ठीक है, तो आप ये फोटो दोबारा मतलब जैसा भी है वैसा लगा के चले जाओ, यदि कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो टेंशन फ्री, जैसा है वैसा। मिस्टेक इन री अपलोडेड फोटो, ये हमारे महान डॉक्टर हैं जिन्होंने डिस्क्रिपेंसी का मैसेज आया, री अपलोडिंग का उनको ऑप्शन दिया, आफ्टर दैट भी उन्होंने क्या कर दिया, गलती कर दिया, कैसे, जैसे ब्लू बैकग्राउंड में अपलोड कर दिया, सिग्नेचर ब्लू पेन में कर दिए, या फिर डेट ऑफ डेट ऐसा उनका 2020 रह गया जल्दबाजी में, 1 लिखा ही नहीं, या कुछ और डेट लिख दिया 2020 लिख दिया, तो देखो अब तो फोटो अपलोड हो चुका है, अप्रूवल सबको मिलेगा, आपने सेकंड टाइम में गलती करी है या नहीं करी आपको अप्रूवल मिलेगा, आपका नया एडमिट कार्ड आएगा और आप एग्जाम भी दे पाओगे। यदि सेकंड री अपलोड में भी गलतियां हो गई है, डोंट वरी, एग्जाम होगा, एंट्री मिलेगी और आराम से एग्जाम भी दे पाओगे, तो जो हो चुका है उसको भूल जाओ, नया एडमिट कार्ड आएगा, प्रिंट करो और एग्जाम में डॉक्यूमेंट्स, ये वाली वीडियो देख के जाओ को क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है वो सब, और ड्रेस कोड बैंड आइटम की भी एक वीडियो मैंने बनाया था उसको भी यहाँ से देख लेना। आई थिंक यही डाउट है, कोई और डाउट होगा तो आप कमेंट कर लेना, मैसेज कर देना, फोन नंबर आपको पता ही, उस पर कॉल कर लेना। वीडियो अच्छा लगता है लाइक आप करते ही हो, और डिसलाइक वाले भी हैं आने दो, कुछ चंद लोग हैं जो डिसलाइक करते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपने देखा होगा 90 क्वेश्चंस की वीडियो, 60 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल सबका, तुक्का कैसे मारे वो वीडियो, और भी जितनी वीडियो, ड्रेस कोड बैंड आइटम एडमिट कार्ड कैसे प्रिंट करें क्या करें सब कुछ आपको दिया है, स्ट्रेटजी की वीडियो, और आज वीडियो अपलोड हुआ है जिसमें अभी ये बताया कि आपको एक रात पहले कैसे नींद लेना है, या फिर आपको अगले दिन क्या गलतियां नहीं करनी, एग्जाम सेंटर के बाहर क्या करना है, कैसे आपको काम रहना है, कैसे आपको टाइम मैनेज करना है, OMR फिलअप कैसे करना है, तो वो वीडियो का लिंक भी यहाँ पे है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी वीडियो है, मज़ा आ जाएगा देखकर। और कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं कमेंट करके, मैसेज करके। थैंक यू वेरी मच।